हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमें रैंक निकालने होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपके डेटा में टाइड स्कोर्स हैं तो उसकी रैंकिंग कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइड रैंक्स होते क्या हैं। अगर आपके टेबल में यानी कि जो आपके डेटा है उसमें दो ऑब्जर्वेशंस यानी दो स्कोर सेम हैं और उसकी आपको रैंकिंग करनी है, तो उस केस में वो जो दोनों स्कोर्स हैं और जो आपको रैंकिंग करनी है उसको हम टाइड रैंक बोलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइड स्कोर की रैंकिंग कैसे करेंगे। तो टाइड स्कोर्स की रैंकिंग करने के लिए उसका हमें मीन यानी कि एवरेज रैंक निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तीन टाइड स्कोर्स हैं हमारे पास जिन्होंने तीन पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हैं, मान लेते हैं कि टेबल है जिसमें फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो पोजीशन है उसमें ये सेम स्कोर्स हैं, तो सबसे पहले इसकी हम मीन कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पोजीशन पे, तो उस पोजीशन को हमें लिखना होगा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, तीनों को हमें ऐड करना होगा। और जैसा कि ये तीन पोजीशन है तो इसको डिवाइड करेंगे थ्री से इसकी मीन निकालने के लिए। तो फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री, 18 को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो आएगा सिक्स। तो इस केस में जो मीन रैंक हुआ वो हुआ सिक्स। तो इन तीनों सेम स्कोर्स की रैंकिंग हमारी होगी सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ की जगह तीनों में सिक्स होगी। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें रैंक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ टाइड स्कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें स्कोर्स 10 स्कोर्स हैं और स्कोर्स इस तरीके से हैं 10, 23, 12, 17, 18, 15, 19, 20, 15, 25, यहाँ पे टोटल 10 स्कोर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है या तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है जो स्कोर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे से बड़े क्रम में 10, 12, 15, यहाँ पे ये दोनों ही स्कोर 15 हैं, तो 15 दो बार लिखा मैंने, देन 17, 18, 19, 20, 23, 25। अगर किसी स्कोर्स को मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो अलग लिख दिया हो तो उसे आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आपको ये बताना है कि टाइड स्कोर्स को रैंक कैसे करेंगे। तो वैल्यूज़ पे ध्यान ना देके आप रिपीटेड जो वैल्यूज़ हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसका रैंक करना। तो यहाँ पे अलग अलग 10 स्कोर्स हैं, सबको आपको रैंक दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 to 10 रैंक दे दिया, बट यहाँ पे क्या है 15 जो है वो दो बार रिपीट हुआ है जो कि है थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हम इसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम प्लस कर लेंगे, और क्योंकि ये दो स्कोर्स हैं तो टू से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 4 = 7, 7 को जब हम डिवाइड करेंगे टू से तो 3.5। तो इस दोनों ही स्कोर्स की रैंकिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5। तो ये फाइनल टेबल है, आप इसमें देख सकते हैं ये 15 और ये 15 दोनों का जो रैंक हो गया वो हो गया 3.5। तो इस तरीके से जब टाइड स्कोर्स आपके पास हों आप ऐसे रैंक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और केस आता है कि मान लीजिए यहाँ तो 15 रिपीटेड था, कोई ऐसे एग्जाम्पल हो जहाँ पर एक के अलावा दूसरी भी वैल्यू रिपीटेड हो, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में 19 होता इस तरीके से, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्कोर्स दिए हुए हैं 5, 10, 15, 12, 14, 10, 16, 15, 10, 20। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 रिपीटेड है और 10 के साथ 15 भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो रिपीटेड है, तो इस केस में कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सॉर्ट कर लेना। तो यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है 5, 10, 10, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 20। इसके बाद के स्टेप में सॉर्ट करने के बाद आप इसकी रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे करेंगे, सिंपली जब 10 अलग अलग स्कोर्स है तो 1 टू 10 रैंक कर दिया आपने। इसके बाद अब जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं जैसे कि 10 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो इन वैल्यूज़ के रैंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन निकालेंगे, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तीनों को ऐड करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 2, 3, 4, तीन वैल्यूज़ हैं इसलिए तीन से डिवाइड करेंगे मेन निकालने के लिए। टोटल 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 3, तो इन तीनों का जो रैंक हो जाएगा वो 3। इसी तरीके से सेवन्थ पोजीशन पर जो है और एट्थ पोजीशन पर जो है
इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से 7.5। तो अब इसका फाइनल रैंक जब हम निकालेंगे कैसे क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो था तो मीन हमारा 3 आया था, तो इन तीनों स्कोर्स का जो रैंक हो गया वो हो गया 3, और सेवन्थ और एट्थ वाले के लिए 7.5। तो इस तरीके से जो भी आपके टाइड स्कोर्स हैं उसकी रैंकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।